पहले क्वेश्चन पढ़ू, फाइंड फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वेश्चन पढ़ता यार, 6x² - 3x - 4x। क्या पढ़ रहा है, ढंग से पढ़ यार। -3 - 4x। सो इफ यू लुक एट हियर आदित्य, दिस इज नॉट बीन अरेंज्ड, द पावर क्या रिदम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? नो सर। सबसे पहले तीन टर्म हो उसका पावर को एडजस्ट कर लिया, डन, पहला स्टेप डन। यस सर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जहां फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है, यहां -18। सर वो 7 होगा, गलती से मैंने 4 बोल दिया, अभी मैं सोच रहा था ये 7 है। सो अब आपको मिडिल में चाहिए -7, प्रोडक्ट चाहिए 18। 10th स्टैंडर्ड में हम हैं, तो आई होप वी मस्ट नो दिस। यस सर। ये हो गया ग्रेड 8 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहला दो में क्या कॉमन है, बहुत आसानी से दिख रहा है, 2x - 3, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1। दोनों ब्रैकेट जब सेम आता है तो ग्रेड 7 से ये सिखाया जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है। ये हो गया ग्रेड 8। ग्रेड 9th में भी हमने जीरोस निकालना सीखा था, जीरोस का मतलब होता है दोनों ब्रैकेट को जीरो से इक्वेट कर दो। सो आई एम रेडी, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। सो यहाँ से x आ गया 3/2, और यहाँ से आ गया 1/3। ये हो गया ग्रेड 9th। तो अब आता है सर, व्हाट इज न्यू इन ग्रेड 10? द न्यू इज ये जो दो जीरोस निकला, इनका यहाँ पर नाम दिया गया है, द टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा रंभिता मैडम, आपको बोलेगा डिटरमाइन द जीरोस एंड वेरीफाई योर आंसर। तो नाउ वेरीफाई के लिए दो फॉर्मूला है, एक बार दोनों जीरोस को हम ऐड करें, इसका फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि सर जनरल प्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, जनरल प्रेजेंटेशन, तो आप बोलोगे ये, ठीक है निजाम? यस सर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है यहाँ पर, अल्फाबेट बी और डी। ये हो गया सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला। अब हम इन दोनों जीरोस को ऐड करके चेक करते हैं पहले कितना आ रहा है, और कैसे ऐड करेंगे, सिंपल मैथ्स, दैट इज 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम 6, ये हो गया मैथ से 7/6। अब जरा देखते हैं इस फॉर्मूला से भी आ रहा है क्या। तो आफ्टर अरेंजिंग देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बी की वैल्यू है मेरे पास -7 और ए की वैल्यू मेरे पास 6, माइनस माइनस कैंसिल, बिंगो, यानी कि सम हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक और चीज वेरीफाई करके दिखाना है, और उसका नाम है प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला है C/A। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद C को देखें, सो दैट इज -3, और A को देखें, दैट इज 6, तो आ गया -1/2। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं, सो द टू जीरोस आई वाज हैविंग 3/2 मल्टीप्लाइड -1/3, 3 गॉन, हेंस वेरीफाइड 2 मार्क्स। ये हर सब्जेक्टिव पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा जहां पर आपको ग्रेड 8 9th आना चाहिए। नया क्या सीखा रंभिता मैडम आपने, सो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा ना, उसका हाईलाइट सम और प्रोडक्ट है। इफ टू जीरोस आर गिवन, ये टेंथ में नया चीज, देन वी कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 9th तक आप जीरोस निकालते थे, 10th स्टैंडर्ड में आपको जीरोस दे दिया है, और अब आप
पॉलिनोमियल तैयार कर लोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आपको आसानी से दिख रहा होगा, एक बार मैंने सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स और एक बार प्रोडक्ट लिखा है, माइनस प्लस लिखा है, और अब आपको दो जीरो सपोज टीचर ने दे दिया, एक रूट टू दे दिया और एक माइनस रूट टू दे दिया। तो आई होप हम यहाँ बहुत आसानी से, एक बार दोनों जीरोस को ऐड करना है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये रहा, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज आई होप प्लस रूट टू माइनस रूट टू, रणविता वी नो दैट इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग जीरो, शो करो नहीं करो चलेगा, प्लस माइनस माइनस रूट टू इनटू टू दैट इज टू। नाउ सिंस आवर पॉलिनोमियल डजंट कैरी एनी कांस्टेंट, तो हम के को ऑलवेज रिप्रेजेंट कर देंगे एज हाईएस्ट वैल्यू प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। यहाँ पर रिदम क्या है, डी वन की हाईएस्ट, डी की हाईएस्ट वैल्यू वन, वन ये वन हो गया, तो ये रहा मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज न्यू इन टेंथ स्टैंडर्ड अंकिता, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू जीरोस आई एम एबल टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल। अब जो क्वेश्चन अक्षिता पेपर में आएगा जो आपने पूछा, तो आपको टोटल चार जीरोस वाला पॉलिनोमियल दे देगा जिसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये नाइन्थ स्टैंडर्ड से आसान हो गया, नाइन्थ स्टैंडर्ड में मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल देता था और एक भी जीरोस का क्ल्यू नहीं होता था, लेकिन टेंथ स्टैंडर्ड में मुझे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, दैट इज हाईएस्ट पावर फोर, और इजी करने के लिए वो दो जीरोस दे देगा। तो अगर हम फोकस करें तो दो जीरोस की मदद से जो हमने पॉलिनोमियल बनाया, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज आवर डिवाइजर, और डिविडेंड आपको अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Now, if I know long division, I will get the quotient. जो भी एक quadratic polynomial ही आएगा, और फिर हम इसका finally splitting the middle term करेंगे, तो remaining दो zeros आ जाएगा। As you can see, दो zeros दिया हुआ है। तो अभी आपने बताया दो जीरोस दिया हुआ हो तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, और हमने इसका अभी अभी बनाया था तो पाया था एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस टू से आप इस पॉलिनोमियल को, जो कि यहाँ डिविजन का काम कर रहा है, लॉन्ग डिविजन ग्रेड एट सेवन करोगे। So, x को छोटे बच्चे को पढ़ाओ तो x क्यूब, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 into 2, 2, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दो टर्म ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा एंड ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, साइन चेंज, ऑब्वियसली वी नो दिस मच, सो ये सर ये माइनस एक्स स्क्वायर, सो अपना 2x स्क्वायर, सो दिस इज डेफिनेटली दिस विल बी माइनस 4x स्क्वायर, ऑर्डर्ड में उतरना चाहिए, तो पहले ये आएगा दैट इज माइनस 3x क्यूब, और यहां पर अपने पास बचा है प्लस का x स्क्वायर, नाउ माइनस 3x, so minus 3x cube minus minus plus, ये देखो 6x के नीचे, x के नीचे लिखने का है, plus minus this gone even this gone, क्या बचा, इधर x square बचा, इधर minus 2, so इधर x square को किससे multiply करें कि x square आ जाए,
प्लस वन प्लस वन सो वी गॉट दिस सो रिमाइंडर जीरो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि स्प्लिट होने को तैयार है एंड दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 स्प्लिट किया सो 2x कॉमन x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x माइनस 1 सो एज यू कैन सी एक ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दूसरे में ये एक आंसर ये एक आंसर ये तो टोटल चार जीरोस इस पॉलिनोमियल का क्या क्या निकला दो उसने दे रखा था और दो हमने निकाला दिस इज व्हाट सीबीएसई हैज द क्वेश्चन थ्री का थर्ड 2.4 का फोर्थ जैसे हर साल एक आएगा इसमें जो कंफ्यूजन आता है वो इसलिए आता है कि दो जीरोस ऐसे दिया हुआ है तो बहुत सा बच्चा क्या सोचता है कि एक जीरो टू है और दूसरा जीरो ये है तो प्लीज डोंट टेक लाइक दिस यू नो दैट रूट के पहले ऑलवेज प्लस और माइनस साइन लगाया जाता है तो एक बार हम बोलेंगे वन ऑफ द जीरो इज दिस एंड अनदर जीरो इज दिस नाउ अगेन टू जीरोस हमने अभी अभी फॉर्मूला आपको बताया एक बार दोनों जीरोस को ऐड कर तो आप खुद देख सकते हो कि प्लस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री कट जाएगा तो ऐड में आएगा 4x अब एक बार दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर लो सो इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली इट इज अपीयरिंग लाइक a प्लस b इनटू a माइनस b दैट इज दिस तो यहाँ पर a है 2, 2 का स्क्वायर 4, b है root 3 का स्क्वायर 3. तो आपको यहाँ से बहुत आसानी से एक डिवाइजर मिल गया और थ्योरी पेपर जब कर रहे हो तो टीचर को बता देंगे यहाँ k equals to 1 है लिया सो माई पॉलिनोमियल जो कि एक डिवाइजर बनने जा रहा है वो आ गया Now, if I know long division, definitely I am going to get the remaining two zeros. First of all, read out. So, my two zeros are reciprocal to one another. And we know my the zeros are alpha and beta. So, yani ki agar ek zero alpha hai, to hum beta ko is condition ke hisab se rhythm 1 upon alpha bol sakte hai. Yes, sir. Now, अब आपको जो फोकस करना है ना कि जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं वो कौन से प्लेस पे है तो वो प्लेस है यहाँ सी कांस्टेंट यस सर अब हम देखेंगे कि भैया कोई फॉर्मूला है क्या जो सी को किसी से जोड़ता है तो अभी अभी हमने बताया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाय ए अब है कि सर अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा एज पर दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन अल्फा सी की जगह कौन है बोलेंगे माइनस के ए की जगह कौन है बोलेंगे 3 अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया 3 यहां आ गया सो देयरफॉर के इक्वल्स टू माइनस 3 दो बार डिविडेंड एल्गोरिथम मुझे कहता है डिवीजन एल्गोरिथम मुझे कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर ठीक है रणविता तो डिविडेंड की जगह जो बंदा अवेलेबल है उसको बैठाओ डिवाइजर नहीं पता क्वोशेंट पता है और रिमाइंडर पता ब्रैकेट का यूज करना अब हम बॉडमास रूल लगा लेते हैं पहले उधर से जो बंदा फ्री है उसको LHS लाते हैं तो माइनस टू एक्स आएगा तो प्लस टू एक्स प्लस फोर आएगा तो ये इसको होल्डिंग में रख देते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दैट इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू ऑब्वियसली इधर जो मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके डिवाइड होगा यानी कि फिर से रणविता मैडम अपन करेंगे लॉन्ग डिविजन अब आप जैसे ही इसको लॉन्ग डिवाइड करोगे इससे जो आएगा आंसर रेगुलर क्वेश्चन है 2.3 का थर्ड
एंड 2.3 का पिगमेंट आता है. सो हाउ टू सॉल्व दिस, आई नीड टू शो दैट दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर. तो मैंने 13 को कॉमन ले लिया, 7 × 11 + 1, तो 13 × 78. सिंस वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, हमने 78 को चाहा तो तोड़कर दिखा दिया. इसके बाद रिदम कुछ भी नहीं करना है. इसके बाद हम पूरा का पूरा वो स्टेटमेंट लिख देंगे जिसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, इसी के एक मार्क से बस. यस सर, आपने यहाँ तक जो किया ना वो ग्रेड 4 का बच्चा भी करता है. So to justify that the given number is a composite number, after reaching till here, I will say that since this is expressed as a product of more than two primes and which can be arranged in any order, hence this is a composite number.